तो नीट भर्ती का स्कैम जो अभी तक विवादों में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में ही भी है, निरंतर इसकी आवाज़ बुलंद हो रही है और आज हनुमान बेनीवाल ने इसकी आवाज़ को उठाया है प्रखर आवाज़ के साथ। और क्या कहते हैं ये, हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश को लेकर आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा से जुड़े मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा जो है पदभार संभालते ही एंटी एग्ज़ाम्स को क्लीन चिट देना, क्योंकि इन्होंने दो दिन पहले एक स्टेटमेंट में कहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ और 24 घंटे बाद ही एजेंसी और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने से जुड़ी बात कहने से साफ हैं कि केंद्र सरकार इस मामले में खुद की नाकामी को लगातार छुपाने का प्रयास कर रही है। लेकिन जिस तरह जिस प्रकार इस परीक्षा से जुड़े पहलू सामने आ रहे हैं उससे ये स्पष्ट है कि बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। कहीं अभ्यर्थियों को मंचा सेंटर देना, पटना में जेल भेजे गए अभ्यर्थियों को उन्हें 4 घंटे पहले प्रश्न पत्र उत्तर मिलना स्वीकार करना, सैकड़ों छात्र जिनका परीक्षा के दौरान समय खराब नहीं हुआ बावजूद इसके उन्हें ग्रेस अंक देना, ये स्पष्ट कर रहा है कि पेपर आउट होने से लेकर परीक्षा केंद्रों तक भारी गड़बड़ी हुई है। समाचार पत्रों के अनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगी याचिकाओं पर एनटीए से जवाब भी मांगा है। केंद्र को आगे चलकर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश करते हुए अविलंब इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए। चूँकि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश को लेकर देश की ये सबसे बड़ी परीक्षा है, शिक्षा मंत्री ने 24 घंटे में अपने बयान बदल दिए हैं। ऐसी मेरी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जो है खुद को भी इस मामले में वक्तव्य देना चाहिए। इस परीक्षा में हुई गड़बड़ी से देश के मेहनतकश छात्र आहत हैं और आंदोलित भी हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए और हम न्याय की लड़ाई में आंदोलित छात्र छात्राओं के साथ खड़े हैं। एनटीए का मुख्य काम उच्च शिक्षा और विभिन्न सरकारी संस्थानों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुशल और पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप परीक्षाएं आयोजित कराना है, लेकिन नीट यूजी परीक्षा से जुड़े इस मामले को देखने के बाद एनटीए की जवाबदेही पर अपने आप में ये बड़ा सवाल निशान खड़ा हुआ। क्या इस संस्था द्वारा आयोजित करवाई गई अन्य परीक्षाएं भी पारदर्शी रूप से आयोजित हुई अथवा नहीं, एनटीए संस्था संदेह के दायरे में है। नीट परीक्षा के मामले को लोकसभा में शपथ के साथ ही उठाऊंगा, ये कहा हनुमान बेनीवाल ने। और हनुमान बेनीवाल की आवाज़ हमेशा बरकर रही है, बुलंद रही है, युवाओं के मुद्दों को लेकर चाहे किसानों के मुद्दों को लेकर। अब देखते हैं लोकसभा जैसे शुरू होगी, इस बार विपक्ष बड़ा हावी है और बड़े मूड में है, इन बार देखते हैं क्या होता है इस बार, क्योंकि इस बार तो नेता प्रतिपक्ष भी है राहुल गांधी के रूप में और विपक्ष इस बार मजबूती के साथ खड़ा। देखते हैं इनके सवालों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिक पाते हैं या फिर नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।